Hello sir. Hello. What's your name? Veer. Veer, right? V-I-R. Veer. Hi Veer. क्या करते हैं आप? Diamond merchant. You are a? Diamond merchant. Diamond merchant. अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। आप डायमंड मर्चेंट क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब, ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग। कौन हो? बेटी और वाइफ। अच्छा वीर जी की वाइफ ना। बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट, लाओ लाओ। किसका प्लान था इधर आने का? पापा। पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। वो एनआरआई का वीडियो देखा ना, एनआरआई को लेके आया। अच्छा एनआरआई का वीडियो देखा, एनआरआई को लेके आया। कौन एनआरआई? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बात में, एनआरआई है जी। हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है ठीक है। एनआरआई क्या किधर किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है। आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है? आपने वो इंस्टा पे रील देखी? आई डू दिस। और दूसरा बंदा, व्हाई डू यू टॉक लाइक दैट? बिकॉज आई टॉक लाइक दिस। नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखी है ना वो रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था इन्हें, वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम ये? 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट में 1 ईयर सीधे जाके राइट लेने का। Nice Vaidehi, welcome to the show. What are you studying in Boston University? Advertising and honors. Advertising and honors. आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she's not even pretending that she's not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. You picked it up in South Bombay or South Bombay? कितना फर्क पड़ जाता है ना? बस जस्ट बिकॉज वहां पे ऑटो नहीं पहुंचे इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया। पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। Great sir, आप तो ऐसे बात नहीं करते हो आई गेस, आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर, डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी यू नो। क्या यार अच्छी फैमिली है। नहीं यहाँ भी पहुँच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है। भैया पता नहीं भैया जिंदगी का BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन? देयर इज नो डोनेशन इन वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना IIT की तरह थोड़ा अंडर। आज सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है। सही है। यू आर स्टडिंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना 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 इट्स रियली नाइस एक्सेंट वैदेही। गाइस वेलकम टू द शो वैदेही। एंड आप मैम आप अभी लाइक यू प्रैक्टिस व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन इफ आई मे आस्क? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो ये आया ना, ये आया मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से पीसीएम याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार आपने? तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज? उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना नहीं? क्या हो गया? ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे। ओह माय गॉड, व्हाट इज गोना टॉक अबाउट नाउ? यू कैन टॉक लाइक दैट। सही है, नाइस। वेलकम टू द शो। मैं और भी किसी लोगों से। और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड जाते हैं वो ग्रेड करते हैं। इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो? तुम जानते हो ही नहीं। इन जनरल जेमोलॉजिस्ट। कहाँ से आई है ऑडियो? क्या भाई आईआईटी में चले गया था क्या मेरा वीडियो? आईआईटी तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स। ग्रेड मतलब वो फिलहाल के वो आंख में वो लगा के नहीं करते? वो आंख में लगा नहीं रहता एक वो छोटा सा लेंस लगा के वो सॉर्ट ऑफ। हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं। आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं, सही है भाई। तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? नो, आई एम अ ज्वेलर आउट ऑफ नागपुर। So I'm studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Yeah. Which college? It is an Institute of America. Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है। अमेरिका इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका ही है, बस वो कुरला से थोड़ा पहले पड़ता है। ये है भाई असली बोस्टन यूनिवर्सिटी। दिस इज रियलिटी। इसके एक्सेंट में ही कुरला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहाँ किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसके नाम इसका स्पेलिंग है तो नहीं AMARICA अमेरिका। कई बार होता है नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। सही है भाई, बढ़िया। ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने? और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं नहीं, मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट ही आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? वो नहीं थे इंडस्ट्रियलिस्ट? उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से बाहर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं। सरिया बनाते हैं। सरिये सरिये मैम, सरिये सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है। ये तो गलत ही चला गया एकदम। नहीं, आपके सरिये का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली। ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी। आप तो ये कैसे मिले आपको ये जेमोलॉजिस्ट? तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है, उनको घुमाओ दुनिया। तुम्हारे पास तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दोस्त नहीं, दुनिया पे परोपकार करना चाहिए। ये अभी 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में। 25,000 की नौकरी करने आए फंड मैनेजमेंट में? ये देखा द वॉइस ऑफ पुअर। जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा 29,000 है, इससे बहुत ज्यादा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़ा हूं भाई, पैरों पे ही हूं। नहीं, नॉट फिजिकली, नॉट फिजिकली पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना, बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई, नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्क फोर्स, ये देख सब आए भाई, हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार। वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई, कंपनी ने सरिया ही दे रखा है। आपके पीछे ही लग रहे भाई, ऑफिस से ही आ रहा, डायरेक्टली ऑफिस से आया। देखो ये होता भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना। क्यों कर रहे? मत करो यार ये सब, घर पे अगर धंधा है तो जाओ। मेरे को लगता है पूरी जनरेशन में एक को मेहनत करनी चाहिए। जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े हो? मैं अभी पैरों पे खड़ा हूँ। मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मैं लगता मैं ये सब करता बकचोदी फालतू। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैं तो पता, मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं, मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूँ भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना? अब ऐश तो मैं ही करूँगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज, आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना? है ना, थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज़ यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज वेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स, किसने कुछ नई बातें बताई। वेन यू गो होम विद इंटरेक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। You tell someone क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया, क्या बोला भाई? एक को सरिया के लेके बहुत बदला, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा हुआ। ये हुआ शो पे। अच्छा पर सुनो तो, मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you liked the video. If you liked the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते हैं जहाँ बारिश होगी और पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है, मतलब ठीक है, ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं वहाँ पे, हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज, फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। हैं, अब आ रहे हो क्लास में? कोई बात नहीं।